हफ्ते में एक एक ओके, न्यू टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक याद है? कैश बुक याद है? कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? लाख कैश, कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज थी ना, नहीं रिसिप्ट, पेमेंट्स। अच्छा, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसाइल के मीनिंग क्या होता है? रिकंसाइल, रिकंसाइल से ये वर्ड बना है रिकंसिलिएशन, तो रिकंसाइल के मीनिंग क्या होते हैं? हाँ नहीं, हाँ ये कह सकते हैं। रिकंसाइल अच्छा, रिकंसाइल के मीनिंग होते हैं टू ब्रिंग टू थिंग्स इन टू एग्रीमेंट, दो चीजों को सेम करना, मिलाना, एक लेवल पे लाना, सेम करना, ठीक है। रिकंसाइल मीन्स होते हैं टू ब्रिंग टू थिंग्स इन टू एग्रीमेंट, ठीक है, यानी दो चीजों को सेम करना, एग्रीमेंट में लाना है, इक्वल करना। जैसे अगर आपको दो वैल्यूज दी जाए और आपको कहा जाए इन दोनों को रिकंसाइल करें, तो उसका मतलब क्या होगा? तो दोनों को आपने सेम करना है, इक्वल, सही है। अच्छा, तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक याद है आपको? ठीक है, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसमें कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड होता है ना, कैश रिसिप्ट पेमेंट और बैंक के रिसिप्ट और पेमेंट्स। अच्छा, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ बैंक की, अच्छा। देखिए, जिस तरह हम अपने पास कैश बुक में बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसी तरह बैंक भी अपने पास हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा कि हमने किस डेट पे कितने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, किस डेट पे कितना अमाउंट विड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, अब वैसे बैंक स्टेटमेंट का नाम सुना है आपने? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? हाँ, मतलब बैंक से हमें एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, पूरे मंथ की ट्रांजेक्शंस होती है और आखिर में क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए, हम बना रहे हैं कैश बुक, हम बनाते हैं कैश बुक, कैश में बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब कैश बुक बनाई हमने, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड में हमने कैश बुक को बैलेंस किया, तो बैंक बैलेंस आपका आया 10,000, ठीक है। अच्छा, बैंक से आपको मिला बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? अगर कैश बुक का बैलेंस आपका 10,000 है, तो बैंक से जो बैंक स्टेटमेंट मिलेगा उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,000 ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कैश बुक का बैलेंस आपका 10,000 आ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 10,000 से या तो ज्यादा होगा या 10,000 से कम, ठीक है। तो नॉर्मली दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होते, तो उन्हीं को हमें रिकनसाइल करके इक्वल करना होता, सही बात। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा ये कि हमें इसमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन होगा, रीजन आपको बता देगा वो क्या रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, फिर उनकी करेक्शन करने के बाद हम करेंगे और दोनों बैलेंस हमारे इक्वल हो जाएंगे, रिकनसाइल्ड हो जाएंगे, एग्रीमेंट में आ जाएंगे, सही। और हम खुश हो जाएंगे कि हमारे बैलेंस एग्री हो गए, रिकनसाइल्ड हो गए, ठीक है। बिल्कुल, खुशी जरूर होती है, ऐसे ही होता है, जब आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाए तो बड़ी खुशी होती है ना, बैलेंस शीट इक्वल हो गए, खासतौर पर जो फर्स्ट ईयर इंटर कॉमर्स वाले उनको पता होगा कि बैलेंस शीट जब इक्वल आए तो कितने खुशी होती है, दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी रीजन पे कि मतलब बैलेंस सेम ना आने की क्या रीजन होती है, ठीक है। अच्छा, एक रीजन तो हो सकती है एरर्स, पहले रीजन क्या हो गए? एरर, ठीक है। अच्छा, एरर्स हमसे भी हो सकते हैं कैश बुक बनाते हुए और बैंक से भी हो सकते हैं, ठीक, और किसी भी टाइप का एरर आ सकता है, ठीक? अच्छा, तो एरर्स हो गए, एक रीजन तो हो गई एरर्स। सेकंड रीजन, अच्छा सेकंड रीजन क्या होती है? इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, हाँ, एरर तो एरर होता है, कोई भी एरर हो सकता है ना, इसलिए मैंने उसमें मेंशन नहीं किया कौन कौन से एरर, तो किसी भी टाइप का एरर हो सकता है, हमसे कैशबुक बनाने में भी एरर हो सकता है, बैंक से भी एरर हो सकता है। अच्छा, सेकंड रीजन है अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन।
मतलब वो ट्रांजेक्शन जो बैंक अपने पास रिकॉर्ड कर चुका है और हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं के लिए टर्म यूज होगी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, कि वो ट्रांजेक्शन जो बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई है, हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं की। सब रिकॉर्ड क्यों नहीं की, तो उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये होती कि हमें ट्रांजेक्शन मालूम ही नहीं होती। जैसे कि आपके बैंक चार्जेस हैं, अब बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है, तो अब बैंक ने कब कितने चार्जेस डिडक्ट किए ये हमें कब पता चलेगा? स्टेटमेंट आने के बाद, ठीक है? तो जब स्टेटमेंट आएगी तो उसको देखकर हम अपने पास बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? तो जब तक वो रिकॉर्ड नहीं होंगे तब तक दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे, ठीक? अच्छा, और क्या रीजन होती है वो बताता हूँ। अब इसमें क्या क्या आ सकता है और? तो बैंक चार्जेस हो गए, सेकेंड हो सकता है बैंक इंटरेस्ट, ठीक है? अच्छा, आपको पता है बैंक बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर बैंक से आप ओवरड्रॉ करें तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो बैंक ने कब कितना इंटरेस्ट दिया और कब कितना इंटरेस्ट चार्ज किया ये हमें कब पता चलेगा? स्टेटमेंट मिलने के बाद, ठीक? तो इंटरेस्ट पहले बैंक रिकॉर्ड करता है, हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए डिसऑनर चेक या बाउंस चेक, ठीक? अच्छा, ये क्या होते हैं? रिटर्न चेक, रिटर्न हो जाए आपका, राइट? तो सपोज आपने कस्टमर को गुड्स सेल की, कस्टमर ने पेमेंट किया आपको बाय चेक, चेक आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे कम थे या बिल्कुल नहीं थे, तो आपका चेक रिटर्न हो जाएगा, तो उससे कहते हैं डिसऑनर चेक या बाउंस चेक, चेक रिटर्न होना, ठीक? अच्छा, तो अच्छा, अब ये पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? पहले बैंक रिकॉर्ड करता है, हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है? डिसऑनर चेक। अच्छा, इसके बाद एक टर्म है क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक? अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। जैसे मोबाइल में आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए भी क्रेडिट ट्रांसफर की टर्म यूज करते हैं ना हम लोग, क्रेडिट ट्रांसफर किया, बैलेंस ट्रांसफर हो रहा, ठीक? तो अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम टर्म यूज करते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा, अब ये दोनों साइड पे आ सकती है, रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। अगर हम किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, नॉर्मली हमारे अकाउंट में आ रहे होते हैं ना, ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, ठीक, तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक। हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के, ठीक है? तो कब किसने कितने पैसे ट्रांसफर किए ये हमें कब पता चलेगा? स्टेटमेंट मिलने के बाद, जी तो हाँ। मीन्स कि और के अकाउंट से अगर हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्रेडिट ट्रांसफर। तो कब किसने कितने पैसे ट्रांसफर किए ये हमें कब पता चलेगा? स्टेटमेंट मिलने के बाद, ठीक है? तो क्योंकि बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन को हम डॉक्यूमेंटेड होता है, जब तक आपको डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होता ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक? अच्छा, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांसफर। जिसके बाद है डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। अच्छा, डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर ये दो बैंक की पेमेंट फैसिलिटीज हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है, ठीक? इन दोनों में क्या होता है कि आप एक बार बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और फिर हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती रहती है। ये ऑटोमेटिक पेमेंट फैसिलिटीज हैं, तो एक बार आप बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे, हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट्स होते रहेंगे, फिर आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, अभी होती क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है ये समझा देता हूँ। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं, ये वहां यूज होंगी जहां आपकी मंथली पेमेंट्स वेरी कर, जहां आपकी मंथली पेमेंट वेरी करेगी वहां यूज करेंगे डायरेक्ट डेबिट पेमेंट फैसिलिटी, और जहां आपकी मंथली पेमेंट फिक्स होंगी वहां यूज करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट डेबिट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है? बिल आता है तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है बिल पे करने का, कि बिल लेके आप बैंक जाते हैं, वहां बिल पे करते हैं, घर आ जाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या बार दफा जाना आना, फिर रश भी होता है कभी, टाइम भी वेस्ट होता है ना। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि घर बैठे, ऑफिस बैठे आपका बिल पे होता रहे, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक? तो उसके लिए आप यूज करते हैं फिर डायरेक्ट डेबिट
पेमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि एक बार आप बैंक जाएंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां जाके आप बैंक को बताएंगे भाई आप अपना बिल डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करना चाह रहे हैं, तो बैंक आपके बिल की जो डिटेल्स होती है अकाउंट नंबर वगैरह अपने पास सिस्टम में सेव कर लेगा, और उसके बाद हर महीने आपके पास तो बिल आएगा साथ साथ बैंक में भी बिल आएगा ऑनलाइन, और वहीं से वो ऑटोमेटिकली पे हो जाए। आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए मेंटेन और महीने पेमेंट आपकी होती रहे। ठीक है, अच्छा ये सर्विस फ्री नहीं होती, इसके चार्जेस होते हैं कुछ, तो आपके बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए या कोई और पेमेंट, ठीक है चाहे वो वेरी करती हो मंथली, वो आप पे कर सकते हैं डायरेक्ट डेबिट के थ्रू। अच्छा स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी वही ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जहाँ ये कहाँ यूज होगा स्टैंडिंग ऑर्डर, कि जहाँ आपकी मंथली पेमेंट फिक्स हो, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी है, अब सैलरी पे करने का नॉर्मल तरीके क्या, आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे, चेक बनाएंगे, चेक एम्प्लॉयज को देंगे, एम्प्लॉयज चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा तो सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि आपको ना चेक बनाना पड़े ना उसको डिपॉजिट करवाना पड़े, कुछ भी नहीं, और ऑटोमेटिकली सैलरी पे हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक बार आप बैंक जाएंगे जहां आपका अकाउंट है, बैंक जाके आप अपने एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स वहां देंगे कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, उसका अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स वो बैंक अपने पास सेव कर लेगा, और हर महीने कंपनी के अकाउंट से, बिजनेस के अकाउंट से सैलरी एम्प्लॉयज के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। राइट, तो डायरेक्ट डेबिट यूज करेंगे जहां मंथली पेमेंट वेरी करेगी, और स्टैंडिंग ऑर्डर जहां मंथली पेमेंट फिक्स होती है। अच्छा अब ये दोनों ऑटोमेटिक पेमेंट्स हैं, तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक रिकॉर्ड करेगा और हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद। ठीक, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, कि जो वो ट्रांजेक्शन जो बैंक पहले रिकॉर्ड करता है और हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, आ जाता है। ठीक, ये तो हो गई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, के जो वो ट्रांजेक्शन जो बैंक पहले रिकॉर्ड करता है हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद। अच्छा इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि हमने कैश बुक में एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, बैंक ने रिकॉर्ड ना की हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, कि कुछ ट्रांजेक्शन होती है जो हम पहले रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, बैंक रिकॉर्ड करता है बाद। अच्छा तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस मतलब वो ट्रांजेक्शन जो क्या हम कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करते हैं और बैंक रिकॉर्ड करता है कुछ दिन बाद, इसके लिए टर्म यूज होगी टाइमिंग डिफरेंस, और ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और अनक्लियर लॉजमेंट, और आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, इसमें क्या टाइमिंग डिफरेंस में आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स और अनक्लियर लॉजमेंट्स, जिसको अनक्लियर चेक भी कह सकते हैं। सही, अच्छा क्या होते हैं चेक्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। अच्छा ये बताएं कि आपको एक चेक मिला, एक कस्टमर ने आपको पेमेंट की बाय चेक, और चेक आपने आज अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो आपके अकाउंट में पैसे कब आएंगे? 2 दिन बाद, मतलब परसों। सही, 2 दिन लग, 3 वर्किंग डेज लगते हैं, कि आज अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाया तो कल का दिन छोड़ के परसों आपके अकाउंट में क्या है, पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो चेक क्लियर होने में 3 वर्किंग डेज लगते हैं, बीच में संडे आ गया तो एक दिन और ऐड हो जाता है। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी आ गया तो एक दिन और, ईद आ गई तो 3 दिन और, हाँ हफ्ता भी बंद होता है, तो 3 वर्किंग डेज लगते हैं। ठीक है, 3 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, संडे वर्किंग डे नहीं होता वो काउंट नहीं करेंगे, सैटरडे वर्किंग डे नहीं होता वो काउंट नहीं होगा, ईद वर्किंग डे नहीं होता वो काउंट नहीं होता, 3 वर्किंग डेज जिसमें बैंक खुलेगा, हाँ पीर मंगल वो जुमरा जुम्मा। हाँ तो वर्किंग डे होता है, लेकिन नहीं अब नहीं होता, पहले होता था, अब फुल डे होता है, अब वो ब्रेक होती है नमाज के 2 घंटे के बाद, हाफ डे नहीं होता, लेकिन क्लियरिंग नहीं जाती। हाँ वो भी मुख्तसर होती है, उसे क्लियरिंग नहीं आती, चेक डिपॉजिट कराएंगे तो वो काउंट दिन काउंट नहीं करते, उसमें क्लियरिंग बंद होती है। ठीक है, तो चेक क्लियर होने में लगते हैं 3 वर्किंग डेज। अच्छा सपोज कह लें आज है डेट 31, आज 31 है, मंथ एंड हुआ,
आज आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया तो हम कैश बुक में एंट्री कब बनाएंगे? तो आज ही बना लेंगे, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, मंथ एंड हुआ 31st, आज हमें स्टेटमेंट मिला बैंक से, तो क्या बैंक स्टेटमेंट में वो चेक अपेयर होगा? नहीं होगा, वो तो 2 दिन बाद 2nd फेब को क्लियर होगा, तो जो फेब का स्टेटमेंट मिलेगा वो उसमें अपेयर होगा, राइट। तो ऐसे चेक्स को हम कहते हैं अनक्लियर लॉजमेंट्स या आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, ठीक है। यस, को आप अनक्लियर चेक भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा, ठीक। अच्छा राइट, तो अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक, ठीक है। आज हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम आज ही एंट्री बना लेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा, सप्लायर ने क्या किया, वो बैंक चेक ले जाके अपने ऑफिस में रख दिया कि जब बैंक जाना होगा डिपॉजिट करवा दो। अच्छा, इससे पहले कि वो बैंक जाता चेक डिपॉजिट करवाता, मंथ एंड हो गया। अब मंथ एंड पे जो स्टेटमेंट मिलेगा उसमें ये चेक अपियर नहीं होगा, तो डिफरेंस आ जाएगा, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा होगा, सही। तो ऐसे चेक्स को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, कि हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक और सप्लायर ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं करवाया या कैश नहीं करवाया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये तो हो गई रीजन कि जिनकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है, ठीक। अच्छा, अब करना क्या होता है इसमें? अब से ये होता है कि हम मंथ एंड होता है, मंथ एंड पे हम अपनी कैश बुक बनाते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं, बैंक से हमें बैंक स्टेटमेंट मिलता है, उसका बैलेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर डिफरेंस आ रहा है तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को हम साइड बाय साइड रखते हैं, उसमें से वो ट्रांजेक्शन फाइंड करते हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, और उसके बाद अगर हम जो भी रीजन होती हैं उसकी हम करेक्शन कर लेते हैं, और करेक्शन के बाद दोनों बैलेंस इक्वल हो जाते हैं, रिकनसाइल्ड हो जाते हैं, सेम, ठीक। अगर कोई एरर है तो करेक्शन कर लेंगे, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइमिंग डिफरेंस है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद हमारी दोनों ट्रांजेक्शन दोनों के बैलेंस सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रिकनसाइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इसी तरह आएगा कि आपको दो बैलेंसेस, अच्छा क्वेश्चन कैसे आएंगे, दो बैलेंस गिवन होंगे, एक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, रीजन आपको बता देगा, अब हमने उनकी करेक्शंस करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, और उसके बाद दोनों बैलेंस सेम आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रिकनसाइल, तो ये पूरा टॉपिक है, खत्म। ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर राइटिंग द कैश बुक अप टू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑन 31st मार्च 2012। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट दे दी उसने, तो गिवन के कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डेबिट बैलेंस दिया हुआ 2740, यही तो कैश बुक का बैलेंस हो गया जो हमारा हो गया, सही है। द मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2537 का, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। अच्छा, दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, देखिए कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है डेबिट और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है क्रेडिट, तो ये क्या, ठीक है जी, सही है। हाँ, कैश बुक का बैलेंस डेबिट दे रहा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो ये नॉर्मल बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट होगा? दोनों नॉर्मल है, यही एक नॉर्मल बैलेंस, एक ओवरड्राफ्ट। हाँ चलो समझा देता हूँ, ये दोनों नॉर्मल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये बताता हूँ कि क्या रीजन है। यहाँ पे एक दो ट्रांजेक्शन आपको समझा देता हूँ, ये हम बना रहे हैं कैश बुक अपनी की बात करते हैं, हम बिजनेस है हमारा, कुछ भी लिख लेते हैं, क्या नाम लिखते हैं, एबीसी कंपनी, चल रहा है हमारी कंपनी है, और एक हमारा बैंक है एमसीबी बैंक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या, बैंक में जब हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं
कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। अमाउंट सपोज कर लें 50,000 हमने डिपॉजिट कर, ठीक है, बैंक में हम एंट्री बना रहे हैं क्या, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अब जो बैंक है हमारा, बैंक क्या एंट्री बनाएगा, बैंक में क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट क्यों होगा? कैश लेकिन बैंक के पास कैश तो आ रहा है। अब आप फर्ज करें, सपोज करें बैंक में बैठे हुए एक कस्टमर आया आपका, अकाउंट होल्डर, उसने कैश डिपॉजिट करवाया, तो आपके पास कैश आया, तो आपका कैश तो हो गया इंक्रीज। अब आप बैंक में बैठे हुए ना, कैश आया, कैश इंक्रीज हो गया बैंक का। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका? अकाउंट्स पेबल। हाँ बिल्कुल, देखिए जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो एक तरह से हमारी अमानत होती है ना बैंक के पास, कि आज हम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कल को हमें बैंक से हम वापस लेते हैं। तो जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक का कैश इंक्रीज होगा और बैंक पे लायबिलिटी आ जाएगी कि आज जो पैसे आए वो कल को देने हैं। तो बैंक क्रेडिट क्या करेगा? अकाउंट्स पेबल, यानी कि एक अकाउंट बन जाएगा हमारा अकाउंट पेबल के नाम से और वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक हमारे लिए एसेट होता है, हमें बैंक से पैसे लेने होते हैं, और हम बैंक के लिए लायबिलिटी होते हैं कि बैंक ने हमें पैसे देना होता है, वापस करना होता है ना, ठीक है। तो इसलिए देखिए रिकॉर्डिंग अपोजिट हो रही है, हम एंट्री बनाएंगे, हमने बैंक को अपने पास डेबिट किया और बैंक ने हमें अपने पास क्रेडिट कर दिया, अपोजिट। अच्छा, अब हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे हम? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। सपोज 20,000 हमने विड्रॉ किए, तो बैंक में क्या एंट्री बनेगी? बैंक बनाएंगे, ठीक हाँ, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने विड्रॉ के टाइम पे बैंक को अपने पास क्रेडिट किया तो बैंक ने हमें अपने पास डेबिट किया, अपोजिट रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा, अब हम कैश बुक का बैलेंस करते हैं, बैलेंस कितना आएगा हमारा? 30,000। अच्छा, डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट होगा? अब हम अपनी कैश बुक क्लोज कर रहे हैं यहीं पे, दो ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस कितना आएगा? 30,000 डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक। अच्छा, बैंक अपने पास बैलेंस कर रहा है तो बैलेंस कितना आएगा बैंक का? 30,000, और ये क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है, हम बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होगा और नॉर्मल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होगा। अच्छा, ओवरड्राफ्ट हो तो? ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक में क्रेडिट होगा और बैंक में एज पर बैंक क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट आ रहा है एज पर कैश बुक तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी कि हमने बैंक से ओवरड्रॉ किया तो हमें बैंक को देने है। और अगर बैंक के लिए वो एसेट बन जाएगा कि बैंक ने हमें ओवर पेमेंट किया तो अब बैंक ने हमसे रिसीव करने लेने। तो ओवरड्राफ्ट के केस में साइड चेंज हो जाएगी, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट होगा और ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट होगा, अपोजिट। 50 माइनस में प्लस में। सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30.1, ये बैलेंस दिए मैं पहले, तो कैश बुक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है। अच्छा, दोनों में ही डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये रीजन बता दें इससे डिफरेंस आने की, रीजन क्या है? अनक्लियर चेक 4010, बैंक चार्जेस ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट इन द कैश बुक, अनप्रेजेंटेड चेक्स, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक। अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बी बर्नेस एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट इन कैश, ठीक है, कई ट्रांसफर द पैसे आ रहे हैं। सब रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस ऑफ 2740 ब्रिंग द कैश बुक
बैंक कॉलम अप टू डेट एंड देन बैलेंस द बैंक अकाउंट, और सेकेंड है वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो पहले हम कैश बुक बनाएंगे, बैंक कॉलम जिसमें हम ये कैश बुक के बैलेंस को अपडेट कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट बनेगा ठीक, उसमें ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को अपडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसके बाद दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे। अच्छा, आप में से कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। अच्छा, वहां के फॉर्मेट में यहाँ के फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप दो कॉलम बनाते हैं, कैशबुक का और एक पासबुक का। यहाँ पर कैशबुक का कॉलम नहीं बनेगा, बल्कि उसके बाद हम कैश का टी अकाउंट बनाएंगे, बैंक का टी अकाउंट, बाकी जो पासबुक वाला कॉलम होता है वो एज इट इज बनेगा। कैश का कॉलम नहीं बनेगा, बल्कि इसमें कैश बुक बनेगी, बैंक अकाउंट बनेगा। इसका टाइटल होगा कैश बुक बैंक कॉलम्स। अच्छा, नॉर्मल जैसे एक बैंक का टी अकाउंट बनाते हैं वैसे टी अकाउंट बनेगा, सिर्फ टाइटल चेंज हो गया, कैश बुक बैंक कॉलम, इसको आप बैंक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो बैलेंस लिख लेते हैं कैश बुक बैंक, इसका बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर कैश बुक 2740 डेबिट हो गया। इसके बाद है अनक्लियर चेक्स, अनक्लियर चेक्स रिकॉर्ड होंगे नहीं, क्योंकि कौन से चेक्स होते हैं अनक्लियर, के हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया जो अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि क्लियरिंग में 3 वर्किंग डेज लगते हैं ना। तो जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट करवाया होगा उस दिन हमने कैश बुक में एंट्री बना ली होगी, तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे ठीक है। सो बैंक चार्जेस ऑन बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक, ये रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है और हम रिकॉर्ड करते हैं बाद। अच्छा, तब ये डेबिट होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा ठीक है, तो बैंक तो होगा क्रेडिट। अच्छा, इसकी डबल एंट्री क्या होती है, इसके डबल एंट्री बनेगी, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 32 से। नेक्स्ट, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ये कौन से चेक्स होते हैं अनप्रेजेंटेड, हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक और सप्लायर ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, कैश नहीं करवाया, डिपॉजिट नहीं करवाया, तो जिस दिन हमने चेक इशू किया होगा उस दिन हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करें। तो ये अनक्लियर चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके होते हैं, दोबारा रिकॉर्ड नहीं करें, ये रिकॉर्ड नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होती है, ऑटोमेटिक पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ये बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका स्टैंडिंग ऑर्डर ही लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट साइड पर। इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वीबर्न इज एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट इन द कैश बुक, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बी बर्नर्स, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं फ्रॉम बी बर्नर्स, पैसे आ रहे हैं ना, क्रेडिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में पैसे आए तो बैंक डेबिट हो जाएगा ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ बैंक डेबिट होगा, और इसके अगर डबल एंट्री बनाए तो होगी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, तो ये बैंक डेबिट हो गया। साथ क्वेश्चन कंप्लीट, कैश बुक का टोटल करते हैं। हाँ, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया 2941, अब 2941 में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 2816, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश। रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट, रिक्वायरमेंट बी थी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 2537 इसे अपडेट करेंगे और दोनों बैलेंस हमारे सेम हो जाएंगे, रिकंसाइल्ड हो जाएंगे, देखिए स्टेटमेंट बनेंगे। इसमें हम लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 2537, इसको अपडेट कर लेते हैं। सब में ये था अनक्लियर चेक, सब ये रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, अनक्लियर चेक होते हैं, हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया अभी क्लियर नहीं हुए,
अच्छा, क्लियर होने के बाद बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? अनक्लियर चेक क्लियर होने के बाद बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा, प्लस होगा। यहां इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते, ऐड हो गए। इसके बाद बैंक चार्जेस पर है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक और सप्लायर ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो जिस दिन वो चेक प्रेजेंट होगा, अनप्रेजेंटेड चेक प्रेजेंट होगा, तो बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज हो जाएगा, लेस होगा, तो यहां से माइनस कर देंगे अनप्रेजेंटेड टैक्स। ठीक है, और इसका सम कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश। ये दोनों बैलेंस हमारे एडजस्ट हो गए, रिकनसाइल्ड हो गए, सेम हो गए ना, राइट? कॉपी। क्वेश्चन नंबर 30.2। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2011 बैंक कॉलम ऑफ सी टेंस कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1500। द मंथली बैंक स्टेटमेंट रिटन अप टू 31 दिसंबर 2011 शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया। इसके बाद हम चेकिंग